हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग ने स्कूल के सबके सामने लंजा को प्रोम पे जाने के लिए एक प्रपोजल दिया था, बट लंजा ने सबके सामने उसे इंसल्ट किया था एंड विंग रोते हुए वहाँ से चला गया था। अब विंग एक जगह पर आकर चुप कर बैठा हुआ था एंड रो रहा था एंड वो कंटिन्यू अपने आप से कह रहा था, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं सच में बहुत ही बड़ा स्टूपिड हूँ। विंग को अंदर अंदर लग रहा था कि उसका सारा रिपूटेशन अब ख़त्म हो चुका है। उसने जितना बुरा सोचा था उससे भी बुरा हुआ है। दिन वो अपने शर्ट को देख रहा था जो उसका फेवरेट था एंड लंजन ने उसे फाड़ दिया था। विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था एंड तभी वहाँ पर जिया नियाली आई। उन्होंने कहा, आशियान। सीजीए के वॉइस सुन के विंग ने अपनी आँखों के आंसू पोछा। उसने कहा, जीजीए हाय। नियाली विंग के पास आई और कही, आशियान हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, चलो घर चलते हैं। विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा। सीजीए ने कहा, वेल तुम जिसके लिए डर रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब स्कूल में तुम टॉपिक नहीं हो, लांग वांगजी टॉपिक है, कोई तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा। पूरा स्कूल ये देख के शॉक्ड है कि लांग वांगजी ने कैसा बिहेव किया है तुम्हारे साथ, ये बिल्कुल भी क्लासी नहीं है। विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, वो गलत नहीं है, मैंने ही उसे एक्सपोज किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। याली ने कहा, हाँ वो बात तो सही है, तुम्हें ऐसे पब्लिक के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी उसने ओवर रिएक्ट किया है, उसने बहुत ही मीन बिहेव किया है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुन के विंग अपने सिस्टर की तरफ दिखने लगा। सीजीए के फेस को देखने के बाद विंग को ये रियलाइज हुआ कि सीजीए जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच है एंड विंग ने उसे बिलीव भी किया है। देन विंग ने कहा, बट लंजा ने कहा कि वो मुझे नहीं चाहता, मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद करता है बिकॉज उसने मेरे रिवॉन को पहचाना था, बट मैं ही स्टूपिड हूँ। ये सुन के याली ने विंग को हग किया। याली ने कहा, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम बहुत ही स्वीट एंड रोमांटिक बॉय हो, लांग वांग जी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। विंग ने कहा, बट मैंने उसे एक लेटर लिखा है, सच में मैंने उसे एक लेटर लिखा है, मैं कितना स्टूपिड हूँ एंड मैंने भी एक स्टूपिड लेटर लिख दिया है। ये सुन के याली ने विंग की तरफ एक अजीब नज़र से देखा तो विंग ने कहा, क्या हुआ है। याली ने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम किसी को पसंद करोगे, मेरा मतलब यू नो किसी एक पर्सन को। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, व्हाट सीजी आपका मतलब क्या है। याली ने स्माइल करते हुए कहा, तुम एक फ्री स्पिरिट हो सियानशियन, तो इसलिए। विंग ने कहा, सीजीए क्या तुम मुझे पोलाइटली कैटलेस बुला रही हो। सीजीए ने कहा, आशियान। विंग ने क्यूट फेस बनाया जिसे देख के यानली जोर जोर से हंसने लगी। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मेरा रेपुटेशन खराब हो गया एंड यहाँ मेरे खुद के सिस्टर के पास मेरा कोई रेपुटेशन नहीं है। ये सुन के यानली और भी जोर जोर से हंसने लगी। देन याली ने कहा, आई एम सॉरी बट मेरा मतलब ये नहीं था। अब विंग हंसने लगा। वो दोनों ऐसे ही कुछ टाइम के लिए हंसने लगे। देन विंग ने सीरियस फेस लेके कहा, सीजीए सब कहते हैं सिर्फ दिल टूटता है, बट मेरा तो पूरा बॉडी टूट चुका है, मेरा पूरा बॉडी हर्ट कर रहा है। ये सुन के याली ने विंग को हग किया। अब नेक्स्ट डे जब लंजा स्कूल पे आया, जब वो अपने क्लासरूम पे जा रहा था तब जियांगचन ने उसे ज़ोर का धक्का मारा। उसने कहा, तुम अपने आप को सोचते क्या हो, पर लंजा ने अपने आप को ठीक किया एंड वो कंटिन्यू क्लासरूम के अंदर जाने लगा। जियांगचन ने कहा, तुमने मेरे भाई को ह्यूमिलेट किया है, किस लिए, तुम खुद एक पीस ऑफ ट्रस्ट हो। तभी जियांगचन को किसी ने कहा, नहीं जियांगचन रुक जाओ। ये आवाज़ सुन के लंजा को समझ में आ गया ये और कोई नहीं निया हुसैनी है। पर जो भी हो, लंजा ने लोगों के बातों को इग्नोर किया एंड क्लासरूम के अंदर चला गया। वो आए भी एम्बेरस फील कर रहा है क्योंकि उसने किसी को लॉकर पे पुश किया था एंड लॉकर पे पंच भी किया था। ये बहुत ही एम्बेरसिंग है, ऐसा करना उसका मतलब नहीं था। खैर जो भी हो, आज पूरा दिन लंजा को विंग नहीं दिखा पूरे स्कूल में। ऐसी बात नहीं है कि वो उसे ढूंढ रहा है, बट फिर भी। अब जब लंजन जिन जिशान बातें कर रहे थे तब वहाँ पर यानली आई। लंजा ने कहा, जियान यानली। लंजा को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। तभी यानली ने कहा, लांग वांग जी क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं।
लंजन ने नोट किया और कहा, देन वो दोनों थोड़ा साइड में आए। याली ने कहा, उस दिन तुम्हें ऐसा क्यों रहा कि तुम मेरे भाई को टच कर सकते हो? लंजन को पता नहीं था कि वो क्या आंसर करेगा, क्योंकि उसे पता है याली स्कूल में सबसे नाइस एंड पोलाइट गर्ल है, पर लंजन ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से याली ने उसे ऐसा कहा। लंजन ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आई बिलीव ये बात सिर्फ मेरे एंड विन के बीच में है। ये सुनके याली ने कहा, अच्छा, बट बिलीव मी, तुम गलत सोच रहे हो। मेरा भाई सब कुछ भूल सकता है, बट मैं नहीं। कुछ टाइम बाद लंजन ने कहा, अब क्या चाहती है? याली ने कहा, सिंपल, उससे माफ़ी मांगो, तुम्हारे पास सिर्फ मंडे तक टाइम है। ये बोल के याली जाने लगी। जब याली जा रही थी, जिन जिशवन ने चिल्ला कर कहा, जियान याली, क्या तुम मेरे साथ प्रोम में जाओगे? ये सुन के याली रुक गई एंड लंजा भी शॉक्ड हो गया। तब एक और वॉयस ने कहा, नहीं वो नहीं जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी टेकन है, सॉरी। एंड वो वॉयस वेंचिंग का था। ये बोल के वेंचिंग याली को लेकर वहाँ से चली गई एंड जिन जिशवन वहाँ पर ही सॉफ्ट खड़ा रहा। लंजा अपने दोस्त के पास आया एंड उसके शोल्डर में पैटिंग की और कहा, लेट्स गो। अब फ्राइडे को लंजा के घर में उसके भाई जेबोचुन ने अपने कुछ दोस्त को डिनर पे इनवाइट किया है। लंजा यूजुअली ये सब अटेंड नहीं करता, बट इस बार उसे करना होगा क्योंकि उसके भाई ने उसे रिक्वेस्ट किया है। बट लंजा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात था कि उसे मंडे के अंदर ही विंग से माफ़ी मांगना होगा। बट लंजा को पता है शायद अब विंग उससे हेट कर रहा होगा, अब विंग उस पर गुस्सा होगा। लंजा को थोड़ा बुरा फील हो रहा था, बट फिर भी वो गुस्सा था। बट पता नहीं क्यों, जब भी वो विंग के बारे में सोच रहा था, उसका पूरा बॉडी हॉट फील कर रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ विंग का तस्वीर ही आ रहा था, उसके बिग आईज, पाउटी लिप्स, रेड रिबन। ये सब सोच के ही लंजा अपने आप को टच करने लगा। वो इमेजिन कर रहा था कि विंग उसको उसके नाम से पुकार रहा है। लंजा ये सब सोच रहा था एंड अपने आप को टच कर रहा था एंड फाइनली वो शांत हुआ। अब धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होने लगा कि वो विंग को चाहता है, वो विंग के लिए केयर करता है। एंड जब भी वो ये सोचता है कि विंग उसका नहीं है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। उसे ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है कि विंग किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, किसी और से बातें कर रहा है। लंजा को बहुत ही पॉजिटिव फील होता है एंड शायद इसीलिए वो कभी भी विंग को अपने पास नहीं आने देता, क्योंकि उसे पता है विंग उसके लिए सीरियस नहीं है, बट लंजा सीरियसली चाहता है। बट जो भी हो, अब उसके पास सिर्फ एक ही काम है, मंडे के अंदर ही अंदर उसे विंग से माफ़ी मांगना होगा एंड सब कुछ नॉर्मल करना होगा। वो सब कुछ फिर से नॉर्मल ही चाहता है। अब रात को जब वो नीचे आया डिनर के लिए, उसने देखा कि उसके भाई के साथ दो निये ब्रदर्स बैठे हैं, एक निये मिंगजुए एंड दूसरा निये हुसैन। एंड देन वहाँ पर मिंगयाओ भी आया। जब लंजा वहाँ पर गया, निये हुसैन ने पूछा, लॉन्ग वांग जी, तुम कैसे हो? लंजा को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड तुम? निये हुसैन ने कहा, ठीक नहीं हूँ। ये सुनते हुए लंजा चाय पी रहा था, तभी निये हुसैन ने कहा, यू नो वॉट, एक इडियट ने मेरे दोस्त को बहुत ही इंसल्ट किया है पूरे स्कूल के सामने, जब वो अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था। ये सुन के लंजा खास उठा। एंड तभी वहाँ पर जेबोचुन आए। जेबोचुन ने कहा, वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? लंजा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। बट जेबोचुन को समझ में आ गया कि कुछ बात तो है निये हुसैन एंड उसके भाई के बीच में, पर जेबोचुन ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा, कुछ टाइम बाद मैं डिनर सर्व कर दूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चले गए। जैसे ही वो वहाँ से गए, निये हुसैन ने लंजा से कहा, तुम तो गए लांग वांग जी। अब लंजा को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये सब तभी होता है जब तुम किसी के ऊपर प्रैंक करो एंड तुम खुद इसे हैंडल ना कर पाओ। निये हुसैन ने कहा, प्रैंक? क्या तुम पागल हो? लंजा ने कहा, क्या मतलब? निये हुसैन ने कहा, डैम, तुम दिखने में स्मार्ट लगते हो पर तुम हो नहीं। लंजा ने कहा, निये हुसैन, तुम कहना क्या चाहते हो? निये हुसैन ने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ड्रंक होना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। लंजा ने कहा, तुम मुझे क्या नहीं बता रहे हो, मुझे अभी के अभी बोलो। निये हुसैन ने एक डीप शाई किया एंड लंजा की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ।
तुम एक इडियट हो, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ा है। जस्ट बिकॉज तुम्हें यह लगता है कि तुम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड हो, है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, इसलिए तुमने उसे ऐसा ट्रीट किया। लंजो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट अंदर अंदर उसे गुस्सा भी आ रहा था। नियोसेन ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है हमें उन पेपर्स को काटने के लिए कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा था, मुझे कितना कॉल करने पड़ा था उस इडियट को तुम्हें एक लेटर लिखने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए वोट किया था, मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट तुमने ऐसा कुछ कर दिया। ये सब सुनते हुए लंजा बिल्कुल चुप था। देन उसे याद आया, लेटर। उसने नियोसेन से पूछा, हुसैन वेट, कौन सा लेटर? अब मंडे आ गया। लंजा स्कूल पे जाके सबसे पहले उसने लॉकर को ओपन किया एंड सच में वहाँ पे एक लेटर था। वहाँ पे लिखा हुआ था, हे लंजा, अगर तुम्हारे पास ये लेटर पहुँच चुका होगा, इसका मतलब हम डेफिनेटली प्रोम पे एक साथ जा रहे हैं, विच मीन्स हम दोनों सोलमेट्स हैं, जो मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हे हे, ये एक जोक था, बट द रियल थिंग इज मुझे हमेशा से ही लगता था कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, सबसे अच्छा। मैं शायद वर्ड को एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट आई बिलीव मेरा लव लैंग्वेज और भी ज़्यादा अनोइंग है लंजा, सो दैट्स वाई मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। मुझे बहुत ही हैप्पी एंड लकी फील हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें एज अ डेट पाने वाला हूँ। मैं इस ईयर प्रोम के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, बट तुम्हारे साथ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर हम वो रात बहुत ही अच्छी तरीके से मनाने वाले हैं, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच लंजा फॉर पिकिंग मी। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा एंड सबसे प्रीटी दिखूँगा, आई प्रॉमिस। बस अभी के लिए मुझे इतना ही कहना था कि आई लाइक यू वेरी मच, वेरी 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 मच, सिंसियरली योर्स विंग। ये लेटर पढ़ के लंजा का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया। वहाँ पे दो सेंटेंस था, एक थैंक यू फॉर पिकिंग मी एंड दूसरा योर्स विंग। ये देख के लंजा का हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। वो सोच रहा था उसने ये सब क्या कर दिया। उसने अपने आंखें बंद किया एंड अपने आप को कोसने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। अब उसे विंग को ढूंढना पड़ेगा एंड सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, बट विंग उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। यूजुअल उसे चीयरलीडिंग टीम के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट आज उसे विंग को ढूंढना है, तो उसने लुओचिंग यांग से पूछा। तो लुओचिंग यांग ने कहा, बुलेटिन बोर्ड चेक करो जो जिम एंट्रेंस के एकदम नेक्स्ट ही है। लंजन उसे थैंक यू कहा एंड देन वो वहाँ से चला गया। जिन जिशवान भी उसके साथ जाने लगा। जिन जिशवान ने कहा, तो आप तुम मुझे अबैंडन कर रहे हो, सीरियसली आई कांट बिलीव इट। लंजन ने कहा, अब मैं क्या करूँ, आई एम श्योर विभूषण मेरे साथ फॉर्म पे नहीं जाएगा, तो अब मैं कैसे जा सकता हूँ। जिन जिशवान ने अपने आई रोल किया और कहा, आई एम श्योर वो ज़रूर इंटरेस्टेड होगा। लंजन ने कहा, हम श्योर तो नहीं कह सकते ना। जिन जिशवान ने कहा, तुम कब उस इडियट से बात करोगे, मुझे अभी जानना है क्योंकि मैं प्रोम पे ऐसे अकेले लूजर की तरह नहीं जा सकता। लंजन ने कहा, उसे उस नाम से मत बुलाओ, वो चीयर टीम आज जिम में आफ्टरनून में प्रैक्टिस करेंगे, मैं तब वहाँ पर जाऊँगा उसे ढूंढने के लिए। जिन जिशवान ने कहा, सीरियसली किसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है, तुम्हें याद है ना हम चीयर लीडर से हेट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नॉइसी होते हैं। लंजन ने कहा, अब उनका पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। दिन आफ्टरनून में लंजा जिम में गया विंग को ढूंढने के लिए। उसने देखा कि विंग बाकी सबके साथ प्रैक्टिस कर रहा है। फाइनली उनका प्रैक्टिस ओवर हो गया, सब लोग चले गए बट विंग वहाँ पर ही था। लंजा दूर से उसे देख रहा था, उसका एंजाइटी बढ़ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करेगा। वो उसके पास जाने ही वाला था तभी वहाँ पर एक और इंसान आया जो बिल्कुल लंजा के पीछे ही था। उसने कहा, विभूषण हे। ये सुनके विंग ने पीछे मुड़ा और देखा लंजा एंड एक और इंसान खड़ा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसने बुलाया। तभी वो इंसान विंग के पास आया, विंग ने कहा हे, एंड वो इंसान और कोई नहीं शु यांग था जो विंग का बॉयफ्रेंड था। उसने विंग के हाथों को पकड़ा एंड उस पर किस किया। ये देख के लंजा बिल्कुल स्टील हो गया था, उसके अंदर एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था। दिन शु यांग ने लंजा की तरफ देखा एंड स्मिर्क किया
एंड देन विंग की तरफ देखा एंड विंक किया, बट लंजा का नज़र सिर्फ विंक पर था। देन कुछ टाइम बाद सुयांग वहाँ से चला गया। अब उस रूम पे सिर्फ लंजा एंड विंग था। लंजा ने कहा, वी विशियन। विंग ने कहा, लांग वांग जी। ये सुन के लंजा को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उसका कर्टसी नेम वो इस इंसान के मुंह से नहीं सुनना चाहता। लंजा ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इतने क्लोज हो। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम कभी भी मेरे लाइफ पे इंटरेस्टेड जो नहीं थे। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ टाइम के लिए विंग ने लंजा को स्टडी किया। फिर उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? लंजा थोड़ा क्लोज आया विंग का और कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ अबाउट लास्ट वीक। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ही कुछ ज़्यादा कर दिया था। ये सुन के लंजा कुछ कहने वाला था, बट विंग कंटिन्यू कहने लगा। उसने कहा, तुमने कहीं भी मुझे कोई परमिशन या फिर स्पेस नहीं दिया था। मैंने कहीं भी तुमसे कुछ भी रिसीव नहीं किया था, बट फिर भी मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा पोलाइट बिहेव करते थे लांग वांग जी, एंड इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर बैठा, दैट्स ऑल। लंजा ने कहा, विंग, मैं तुम्हारे साथ प्रोम में जाने के लिए रेडी हूँ, अगर ये ऑफर आई भी है तो। ये सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया। वो लंजा की तरफ देखने लगा। उसने कहा, क्या तुम, प्लीज़ मेरे ऊपर पिटी मत दिखाओ। लंजा ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कहीं भी नहीं कर सकता। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग लंजा को देखने लगा। देन विंग ने कहा, वेल, अच्छी बात है, बट मैं किसी और के साथ ऑलरेडी प्रोम में जा रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट मी। ये बोल के विंग वहाँ से जाने लगा। लंजा ने उसे फॉलो नहीं किया। उसे रियलाइज़ हो चुका था अब विंग उसके लिए अवेलेबल नहीं है, एंड ऑफ कोर्स वो इतना फ़नी है, ब्यूटीफुल है, पॉपुलर है, उसके लिए कोई भी आ जाएगा, वो लंजा के लिए हमेशा थोड़ी ना वेट करेगा। उसने कहा, विंग। ये सुन के विंग रुक गया। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, बट क्या हमारे बीच में सब कुछ ठीक है पहले की तरह? कुछ टाइम के लिए विंग चुप रहा। देन उसने कहा, हाँ लंजा, सब कुछ ठीक है। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। ये सुन के लंजा ने नोट किया, एंड देन विंग वहाँ से चला गया, एंड देन लंजा भी वहाँ से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना हाँ। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।